अनाउंस के मैं अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज मैं मरवा पौधे के बारे में बताऊंगी। इसको इंग्लिश में मरजीरो कहते हैं। यह बैंगन फैमिली का पौधा है। इसको गर्मियाँ बहुत पसंद होती हैं। आपको वीडियो में पौधा नज़र आ रहा होगा। हमने अपने घर में लगाया हुआ है। हमारे घर में मुर्गियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इस पौधे के अंदर आ जाते हैं, इसमें चूचे मारते हैं, इसलिए हम इसकी हिफाजत के लिए इसके बाहर छोटे कांटे लगाते हैं ताकि इनके अंदर चूजे ना जा सके। मरवा पौधा है, इसको गर्मियां बहुत पसंद है। तो 6 घंटे की धूप चाहिए होती है। ये पौधा घर में लगाए तो मच्छर नहीं आते। अगर किसी बच्चे को दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, सुबह सुबह उठ के निहार मुंह के 3-4 पत्ते खाने चाहिए, तो दांतों का कीड़ा खत्म हो जाता है। इस पौधे के साथ एलोवेरा भी लगाई हुई है। ये दोनों पौधे आपस में खड़े हैं। रोज पानी लगता है, इसलिए सब्ज सब्ज हैं। एलोवेरा के बच्चे हैं। हमने इसको दूर दूर इसलिए लगाया है ताकि ये ग्रो करें। अगर पेट में कीड़े लगे हुए और बच्चों को इसकी चटनी खिलाएं तो पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। मरजम का तेल मिलता है। रात को सूंघे सिम को खराटे आते हैं, खराटे खत्म हो जाएंगे। इसको बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है। गर्मियों में बहुत सारा पानी लगाना चाहिए। 6 घंटे की धूप चाहिए होती है। इसको धूप पानी ना मिले, इसके पत्ते नीचे से लटक जाते हैं। अगर मरजम के पौधों को इकट्ठा किया जाए तो खुश्क बीज को इकट्ठा करके भगोया जाए, पानी पीने से गर्मी दूर हो जाती है। गर्मियों का छोटा सा पौधा है, गहरी नहीं होती, तेज से बढ़ता है। भी गर्मियों का पौधा है। गुलाबी कलर के फूल लगते हैं। एलोवेरा है। मैंने इसको एक वीडियो में बताए थे। आज की वीडियो यहाँ तक थी। कहती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई, मुझे फीडबैक देंगी। जिनने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारा ख्याल रखना। मेरी अन्य वीडियो को देखते रहना। फेस यार अल्लाह हाफिज। प्यार बाय। मनोज के मैं अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज मैं मरवा पौधे के बारे में बताऊंगी।
को इंग्लिश में मार्जरीन कहते हैं। यह बैगन फैमिली का पौधा है, इसको गर्मियाँ बहुत पसंद होती हैं। आपको वीडियो में पौधा नजर आ रहा होगा, हमने अपने घर में लगाया हुआ है। हमारे घर में मुर्गियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इस पौधे के अंदर आ जाते हैं, इसमें चूचे मारते हैं, इसलिए हम इसकी हिफाजत के लिए इसके बाहर छोटे कांटे लगाते हैं ताकि इनके अंदर चूजे ना जा सके। मरवा पौधा है, इसको गर्मियाँ बहुत पसंद है। छः घंटे की धूप चाहिए होती है। ये पौधा घर में लगाए तो मच्छर नहीं आते। अगर किसी बच्चे को दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, सुबह सुबह उठ के नहार मुंह के 3-4 पत्ते खाने चाहिए, दांतों का कीड़ा खत्म हो जाता है। इस पौधे के साथ एलोवेरा भी लगाई हुई है। ये दोनों पौधे आपस में खड़े हैं, रोज पानी लगता है, इसलिए सब्ज सब्ज हैं। एलोवेरा के बच्चे हैं, हमने इसको दूर दूर इसलिए लगाया है ताकि ये ग्रो करें। अगर पेट में कीड़े लगे हुए और बच्चों को इसकी चटनी खिलाएं तो पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। मरजम का तेल मिलता है, रात को सूंघे सिंह को खराटे आते हैं, खराटे खत्म हो जाएंगे। इसको बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है, गर्मी में बहुत सारा पानी लगाना चाहिए, 6 घंटे की धूप चाहिए होती है। इसको धूप पानी ना मिले, इसके पत्ते नीचे से लटक जाते हैं। अगर मरजम के पौधों को इकट्ठा किया जाए तो कुछ बीज को इकट्ठा करके भगोया जाए, पानी पीने से गर्मी दूर हो जाती है। गर्मियों का छोटा सा पौधा है, गहरी नहीं होती, तेज से बढ़ता है। गर्मियों का पौधा है, गुलाबी कलर के फूल लगते हैं, एलोवेरा है। मैंने इसको एक वीडियो में बताए थे। आज की वीडियो यहाँ तक थी। कहती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई, मुझे फीडबैक देंगी। जिनने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारा ख्याल रखना, मेरी अन्य वीडियो को देखते रहना। फेस यार अल्लाह हाफिज़।